स्वारघाट में लोक निर्माण विभाग द्वारा नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली के किनारे से अवैध कब्जे हटाने के लिए राजस्व विभाग से निशानदेही ली। तहसील कार्यालय स्वारघाट के ऑफिस कानून गो व पटवारी ने यह निशानदेही विभाग को दी है, जिसमें अधिकतर दुकानों के सामने व कई खोखे अवैध पाए गए हैं। विभाग द्वारा इन्हें अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस दिया जाएगा। बता दें, हिमाचल हाई कोर्ट के आदेशानुसार पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नेशनल हाईवे किनारे से अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है और बरमाना, घागस और बिलासपुर में अवैध कब्जे हटाए गए हैं। बता दें कि नेशनल हाईवे पर सैकड़ों लोग खोखे लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। विभाग द्वारा अचानक की गई इस कार्रवाई से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब ये लोग सरकार से रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892-26-4713 पर।